प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर अब जिला बिलासपुर में भी दो पहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। दो पहिया वाहन को चलाने वाले चालक के अलावा सवारी को भी हेलमेट पहनना होगा, नहीं तो पुलिस चलान के तौर पर बड़ा आर्थिक जुर्माना करेगी। जिला बिलासपुर की SP साक्षी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जन साधारण को सूचित किया जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं को और कम करने के लिए जिला पुलिस लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 28 नवंबर से एक विशेष अभियान के तहत जिला की जनता को जागरूक किया जा रहा है। ये अभियान 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। 6 दिसंबर के उपरांत जिला पुलिस यातायात अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करेगी, जिसके प्रति लापरवाह दो पहिया चालक व साथ में बिना हेलमेट यात्रा कर रहे लोग उत्तरदायी होंगे। SP साक्षी वर्मा ने जिला पुलिस को जन साधारण से सहयोग प्रदान करने की भी अपील की है। उन्होंने जनता से ये भी आग्रह किया कि हेलमेट खरीदते समय उच्च गुणवत्ता युक्त हेलमेट का प्रयोग करें। उन्होंने हेलमेट विक्रेताओं को भी आगाह किया है कि नकली एवं घटिया किस्म के हेलमेट दो पहिया वाहनों को मत बेचें, अन्यथा नियमानुसार उन पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, जनता की ताकत। जब लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू किया तो युवा नेता का साथ मिला और अधिकारियों के पास कोई जवाब न था, और फिर जो काम 24 महीनों में न हो सका मात्र 24 घंटों में शुरू हो गया। दरअसल बात है बड्डल से ढोंटा सड़क की। लोगों का कहना है कि इस सड़क को बनाने के लिए अगस्त 2017 से ही देहरा के पूर्व विधायक रविंदर रवि ने 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिसके बाद लगभग एक साल पहले ही इस सड़क निर्माण का टेंडर अवार्ड कर दिया गया था, लेकिन विभाग आज तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा पाया था। बीते दिनों लोगों ने अपनी इस समस्या को देहरा भाजपा युवा नेता सुकृत सागर के समक्ष रखा था। उसके बाद सुकृत सागर ने अधिकारियों से बात कर जल्द इस काम को शुरू करवाने का निवेदन किया था तथा मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस समस्या को रखने की बात की थी, और उसके बाद जल्द ये काम शुरू करवा दिया गया था। आज लोगों के कहने पर काम को देखने पहुँचे भाजपा नेता सुकृत सागर का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया तथा इतनी जल्दी काम शुरू करवाने के लिए उनका अभिनंदन किया, धन्यवाद किया। लोगों ने काम शुरू होने की खुशी में लड्डू तथा मिठाइयां बांटी। सुकृत सागर ने कहा कि बीते दिनों ये मामला उनके ध्यान में स्थानीय लोगों द्वारा लाया गया था। ये पूरा मामला अधिकारियों की लापरवाही का था, या हो सकता है अधिकारी किसी दबाव में रहे हों, जिसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की थी और परिणाम आज आप सबके सामने है। सुकृत सागर ने कहा कि इस काम के लिए मैं भी लोगों के साथ देहरा के पूर्व विधायक रविंदर रवि का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस काम के लिए ये राशि 2017 में ही स्वीकृत करवा दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये काम आज तक शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन आज ये काम शुरू हुआ है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री देहरा के पूर्व विधायक रविंदर रवि तथा अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी बधाई देता हूं। सागर ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में ऐसे और भी बहुत से मामले उनके ध्यान में हैं तथा लोग भी ऐसे मामले उनके ध्यान में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस मौके पर संजय शर्मा, सन्नी कुमार, संदीप कुमार, सुजीत कुमार, यशपाल कुमार, परमजीत, जोगिंदर, पवन आदि मौजूद रहे। कांगड़ा पुलिस प्रशासन नशे के खात्मे के लिए कितना सजग है, इस बात का अंदाजा कांगड़ा के नए पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन के इस बयान से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इंदौरा में नशे का गढ़ माने जाने वाली पंचायत छन्नी बैली के प्रधान को 3-4 केस में उसको नामजद कर लिया है, और चिट्टा, केमिकल, अफीम, गांजा, लहन समेत उन तमाम नशे के कारोबार और कारोबारियों से संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो छन्नी बैली की छवि पर तोहमत का दाग बन चुके हैं, जहाँ से न केवल हिमाचल बल्कि जम्मू और पंजाब के भी
कई इलाकों में नशे का कारोबार होता है। इंदौरा के साथ लगते नूरपुर विधानसभा के विधायक राकेश पठानिया की माने तो छन्नी बैली में एक ही प्रजापति ऐसा है जो आज इस काले कारोबार में पूरी तरह से संलिप्त है। हालांकि इस प्रजापति के खात्मे के लिए पुलिस ने वक्त वक्त पर बड़े अभियान चलाए, लेकिन पहली मर्तबा इन पर पूरी तरह से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। पठानिया ने बताया कि जिस तरह से नशा ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इससे अब धीरे धीरे ये लोग न केवल जेल की सलाखों के पीछे जाने लगे हैं, बल्कि नशे का कारोबार करने से भी तौबा करने लगे हैं और बड़ी ही जल्दी इनका सफाया भी हो जाएगा।